नमस्कार साथियों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल साइट के ऊपर आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सूचना आई है भाई। तो जो भी साथी अपने साथ जुड़े हुए हैं, पहली बार जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो जुड़े हुए हैं वो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना भाई। देखो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है बायोमेट्रिक लिस्ट के लिए, ठीक है। ये दो नोटिफिकेशन आए हैं आज की डेट के अंदर एसटेट कैंडिडेट के लिए। तो लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री तीनों के लिए यहाँ पे भाई एक और सुनहरा मौका दिया गया है। ये लिस्ट आपको कैसे डाउनलोड करनी है, ऑफिशियल साइट से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के अंदर कहा क्या गया है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो जो नोटिफिकेशन आया है वो नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया है भाई, जो कैंडिडेट थे 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जिन्होंने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया थी वो किसी भी कारणवश अगर आप नहीं करवा पाए हैं, चाहे वो हरियाणा से हो चाहे वो हरियाणा से बाहर से हो, उन सभी कैंडिडेट को अब क्या करना है, 3 फरवरी, ठीक है भाई, 3 फरवरी और 4 फरवरी, दो दिन के लिए आप लोगों के लिए 2 दिन का सुनहरा मौका है भाई। आपको दूसरा अवसर दिया जा रहा है ये, और आपको 9 बजे पहुंचना है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक किसी भी टाइम पहुंच सकते हो आप। ये पहुंचना कहाँ पे है आप लोगों को, ये पहुंचने के लिए आप लोगों को भाई वेरिफिकेशन जो केंद्र है आपका अध्यापक भवन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी रहेगा, यानी कि भिवानी बोर्ड में जाके आपको वहाँ पे पूछ लेना है अध्यापक भवन कहाँ है, और वहाँ पे वेरिफिकेशन केंद्र जो होगा वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होगी। आपको साथ क्या लेके जाना है, आप लोगों को एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, कुछ भी लेके जा सकते हो आप, और साथ में अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है भाई, ठीक है। अब किन किन कैंडिडेट को जाना है वो लिस्ट आप लोगों के पास, आपके पास मैसेज भी आ गए होंगे, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। जो ये लिस्ट आई है इस लिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहाँ से भाई। देखो ये लिस्ट है भाई, इस लिस्ट के अंदर सभी कैंडिडेट के नाम हैं, ठीक है, उसके फादर नेम की डिटेल है, और साथ में उसका रोल नंबर भी है, ठीक है। तो रोल नंबर है और आपका ये सारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, सारी डिटेल है यहाँ पे। और जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, यानी कि रिजल्ट इसी वजह से रुका गया है क्योंकि आपकी बायोमेट्रिक नहीं हुई है, या फिर जिनकी हुई थी पीछे बायोमेट्रिक उनके अंदर किसी के एरर रह गया था, तो ये 17 पेज की लिस्ट है। और इसके अंदर जो टोटल कैंडिडेट हैं भाई वो टोटल कैंडिडेट हैं 822। तो 822 कैंडिडेट अगर आप पहुँच जाते हैं 2 दिन के अंदर तो आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो आपका रिजल्ट दोबारा से रोक लिया जाएगा। उसके बाद दोबारा जो उसके बाद तीसरा जो अवसर मिलेगा उस अवसर में आप लोगों को काफ़ी टाइम लग सकता है भाई, ठीक है। तो अभी आप इस टाइम को ना गवाएं और जल्दी से अपना ये प्रोसेस पूरी करें। पहली बार चैनल पर जुड़े तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, एसटेट्स के रिगार्डिंग सारी खबर जानने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव ए गुड डे।